कट करे को। ओके, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। सो द टॉपिक ऑन द स्क्रीन यू कैन सी चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दिख रहा है सबको टॉपिक नेम, हेडिंग डाल ली। तो चलो पहले कुछ जनरल बात करते हैं बिफोर मूविंग टू द एक्सरसाइज। पहले कुछ ऐसे नॉर्मल बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन मेन बात करेंगे, मतलब नोट्स की बात करेंगे। तो अभी तक जो अपन ने टॉपिक सीखा था वो था इक्वेशंस को क्यों नहीं ना, इक्वेशंस को क्यों, ये पार्ट तो था, पर उससे पहले ये ना लिखकर क्या लिखा हुआ था, राइट? ऐसा भी लिखा हुआ था कि हम वेरिएबल देते हैं। अब ऐसे हमें जीवन के कह सकता है कि हमने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम वेरिएबल में सीखे पिछले चैप्टर, इससे लास्ट चैप्टर हमने अभी तक क्या सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन में। अब चेंजेस क्या हो गए, दो चेंजेस, क्या चेंजेस हो गए, तो पहला चेंज क्या हुआ, क्वाड्रेटिक बिकम वेरिएबल, और दूसरा चेंज क्या हुआ, वन वेरिएबल की जगह क्या आ गया, वेरिएबल की जगह क्या आ गया, टू वेरिएबल। अब आप कहते हैं ठीक है सर, लेकिन ये पेयर ऑफ क्या कर रहा है, क्या मतलब, क्यों ऐसा पेयर ऑफ, ऐसा कोई नाम पिछले चैप्टर में तो नहीं था, नहीं था ना। बात करते हैं कि इक्वेशन में क्या डिफरेंस आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 और होगी, लीनियर इक्वेशन की डिग्री, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ऐसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, उसकी डिग्री 2 दिखाई दे रही है आपको, यस दिखाई दे रही है। और अब एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, है ना, लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, तो ज्यादा ज्यादा मैं ऐसे बना पाऊंगा कैसे, 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बनी इसमें डिग्री बने ना, इसमें हाईएस्ट पावर देखो क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। लेकिन इसमें भी एक वेरिएबल है, एक ही टाइप का वेरिएबल है x, इसमें भी एक ही टाइप का वेरिएबल है x, लेकिन हमारे चैप्टर में क्या है, टू वेरिएबल। हमारे चैप्टर में क्या है भाई, उसने एक बेनिफिट दिया ना, तो एक कुछ चेंज नहीं आया, मतलब कुछ खुद को हमको उसके प्लस पॉइंट दिया, हमको सम को माइनस पॉइंट दिया, प्लस पॉइंट क्या दिया, डिग्री कम कर दी, माइनस पॉइंट क्या हुआ, वेरिएबल बढ़ा दिया, डिग्री कम कर दी वेरिएबल, क्योंकि आप फिर सोचो अगर केवल और केवल डिग्री कम कर दे तो इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी, और सॉल्व करना तो बच्चों का काम है, टेंथ में आएगी क्या, ये तो एट में ही आ गई थी, 3x + 10 = 0 को सॉल्व करना कोई टेंथ क्लास की इक्वेशन है क्या। तो अगर डिग्री कम कर दे इक्वेशन बहुत ज्यादा समझ में आती है, के वो डिफिकल्टी लेवल मेंटेन करने के लिए उसने क्या करा, हम वेरिएबल की जगह क्या कर दिया, टू। अब की बार आपको इस तरह की इक्वेशन में एक वेरिएबल एक्स्ट्रा और दिखाई देगा, जैसे एक्स है तो वाई, ए है तो बी, एल है तो एम, मतलब साथ में जो भी चलते हैं ये, ठीक है, आर है तो एस, तो जो मोस्ट कॉमन है वो एक्स तो वाई है, तो मैं डालते हैं प्रैक्टिस कर देता हूं, लेट्स से इस पर थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, 3x + 10y, और फिर एक कांस्टेंट टर्म ही तो चाहिए, ये तो y1 टर्म हो गई है, ये तो y1 ही टर्म, जैसे कांस्टेंट टर्म उधर भी है, कांस्टेंट टर्म इधर भी थी, अब एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस होगा तो कम करते कांस्टेंट टर्म का पता था, तो ये है, तो लेट्स से मैं इसको अगर 10y लिख देता हूं, तो एक कांस्टेंट टर्म और लिख देता हूं, जैसे 10y + 3, चलो + 3 इज इक्वल टू दिस, कोई भी इक्वेशन हो आने जैसे में तो जीरो रखते हैं, यही स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं, देखो इसमें इसकी डिग्री 1, इसमें इसकी डिग्री 1, और कॉन्स्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा 0 होती है, आपको पहले भी पता है, हाईएस्ट पावर माने पूरी डिग्री भी क्या मान जाएगी 1, और पूरी डिग्री 1 मान जाएगी, तो इक्वेशन कैसी मानी जाएगी, और कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, दो, एक तो x और एक y, ठीक है क्या, कि पहले इंट्रोडक्शन में मतलब कहते हैं ना वो पहली सूरत में समझ में आ गई, मतलब
जैसे नाम है पूरे नाम के हिसाब से स्पेसिफिकेशन समझ में आ गया ना, तो लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, डिग्री वन वाली तो वेरिएबल वाली इक्वेशन राइट। अच्छा इसका नाम लीनियर होने के पीछे भी एक कारण है, ग्राफ इसका नाम लीनियर इक्वेशन क्यों होता है, क्योंकि लीनियर में एक वर्ड छुपा हुआ है, ध्यान से देखो, लाइन छुपा हुआ है, लाइन। तो अगर इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो करना है सर, मतलब कठिन नहीं है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ये कारण है कि इस इक्वेशन का नाम लीनियर है, ठीक है। अच्छा सर पिछली बार जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी उसका करते हैं क्या बनती, उसका अगर करेंगे तो कर्व बनेगी, कैसे बनेंगे, जो हमारे कोर्स में इस साल नहीं है, नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इस साल केवल लीनियर इक्वेशन की करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन में लाइन बनती है स्ट्रेट लाइन, इसीलिए इसका नाम लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब अपन आते हैं आखिरी बात पे, पेयर ऑफ का क्या रोल है सर, पेयर ऑफ क्यों, क्या जरूरत है इसकी, यहां तक भी तो सही था ये नाम, ये हेडिंग यहां तक भी तो सही थी, क्यों स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि पेयर ऑफ, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स देने पड़ेंगे आपको। तो लेट्स से मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, मुझे बताओ ये लीनियर इक्वेशन है क्या ये लीनियर इक्वेशन, यस और नो, क्या क्या कोई इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है, सब अपना अपना सॉल्व करो, इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू बताओ, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू बताना, यानी कि एक्स की वैल्यू बताना, सॉल्व करो, सबने सॉल्व कर लिया तो मतलब मुंह जबानी सॉल्व हो गई, विदाउट यूजिंग पेन आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, कैसे सॉल्व किया मयंक, सर सही बोला इसने, तो सर ये कह रहा है पहले 10 को उधर भेजा तो 5x की वैल्यू क्या हो गई, -10 हो गई, फिर 5 को उधर भेजा तो x की वैल्यू क्या हो गई, -10/5, यानी कि -5, तो ये सॉल्व हो गई इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आ गई आपको। अब मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ उसको सॉल्व करो, ये तो आ गई ना आपको, अब मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ उसको सॉल्व करो, इसमें मैं लिख देता हूँ 5x प्लस 10 लिखा हुआ था ना, 10 के आगे मैं y लिख देता हूं, अब सॉल्व करो इसको, ट्राई टू सॉल्व दिस, अब सुनो, जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो देखो, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन में केवल x की वैल्यू थी, क्या थी, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में क्या थी, मतलब इस इक्वेशन का आंसर क्या है, केवल x की वैल्यू जितना बना पाएगा ना, लेकिन इसमें के साथ साथ y की वैल्यू भी बतानी पड़ेगी, जो भी मिसिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी, तभी फाइनल आंसर फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो इनडायरेक्टली मैं आपको कह रहा हूँ x और y दोनों की वैल्यू बताइए, केवल x की नहीं y की बताना, सो ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देखते हैं औरों को भी करने दो, औरों को भी करने दो, फिर मैं एक एक से पूछूंगा, ठीक है, देख रफली एक बार x एंड y की वैल्यू निकाल दो, सर मैंने क्या सर क्या -4 -8 y upon 5 -1 एक दो बच्चे एब्सेंट लग रहे हैं चारा। क्या, चारा। एक तो यश और एक जागृत और चारा। जीविका, हाँ और बस चारा। चारा। वैभव, वैभव तो 2-3 दिन से नहीं आ रहा, वैभव कहाँ आ रहा है, 2-3 दिन से नहीं देख रहा हूँ मैं, कल आया था,
शादी में गया है। ओके डन, यहाँ तक क्लियर है, मतलब सॉल्व हो गया आपने बताया। ओके एक एक से पूछ रहा हूँ, ईशानी बताओ निकाल पाए क्या एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। अच्छा एक्स और वाई की वैल्यू का मतलब यह है एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है, बताओ बोलो बेटा। एक्स की वैल्यू -2 को सेटिस्फाई करती है, जैसे मैंने -2 रखी तो 5 * -2 -10 और -10 +10 0 होता है, तो यानी कि ये वैल्यू करेक्ट है, सेटिस्फाई करती है। तो अब जो मैं आपसे इस इक्वेशन की वैल्यू पूछ रहा हूँ, मतलब सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ एक्स और वाई का, तो आपको ऐसी वैल्यू बतानी है एक्स और वाई की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो लेकर। तो बताओ ईशान ऐसी कोई वैल्यू निकली नहीं निकली, क्यों कृतिका बोलो? -2 एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू चेक करते हैं, चेक करो 5 * -2 क्या होता है -10 और 1 * 10 क्या होता है +10 -10 +10 0 होता है, दैट मींस ये एक्स और वाई की वैल्यू कृतिका की करेक्ट है। विधि आप बताओ, एक्स की 1 निकाली है इन्होंने ठीक है, और वाई की -1/2, चलो ये चेक करते हैं, चेक करो भाई ये वाली चेक करो, 5 बन गया 5 इंटू 1 करोगे ना 5 बन गया 5 और 10 * -1/2 क्या होगा -5, 5 - 5 0, तो ये भी करेक्ट है, विधि की भी करेक्ट है। और इधर गलत करने की और निकालिए, बोलो कृतिका आपने निकालिए यही सेम। ओके आपने निकाली बेटा भैया, क्या निकालिए यही वाली, सब मिलजुल के काम करते हो, आपने निकालिए कोई वैल्यू यही वाली आपने ऊपर वाली, अच्छा और आपने गलत आ रही, आपने कोई वैल्यू निकाली नहीं समझ आई। हाँ बेटा आपने निकाली कोई वैल्यू इसके अलावा? सर मेरी आंसर सर मेरी y सर -2 है और x बनी है, x 1 और y तो गलत है। देखो अगर x की जगह मैं 1 रखता हूँ तो 5 बन गया 5 और y की जगह -2 रखता हूँ 10 * -2 -20 -20 +5 0 0 होता है, कुछ भी रख सकते हो मैं बता नहीं सकता। हाँ -4, -4, -2 ये चेक करते हैं, -4, -2 चेक करते हैं, -4 * क्या क्या होता है -20 और 2 * 10 क्या होता है +20, तो -20 + 20 0 हो गया ना, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, 3 तो हमारे पास है, तो 3 आंसर है। आपने भी क्या किया 3 - 3/2, देखो डिफरेंट डिफरेंट निकल रही है। अब मैं काम करता हूँ इसका कोई रोल है नहीं, एक बार इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, 3 - क्या बताइए अगली 3 - तो 3 और -3/2 इसको चेक करो 3 - 3/2 तो 5 * 3 क्या होता है 15 और -3/2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 तो +15 - 15 क्या हो जाएगा 0, तो ये भी करेक्ट है। अगली बताओ और किसी ने कोई निकाली हो डिफरेंट इससे तो बोलो, अहद एक -8 और 4 चेक करते हैं, -8 - 4 - 8 * 5 -40 और 4 * 10 +40 -40 + 40 = 0 करेक्ट है उसका भी, इधर से कोई डिफरेंट वैल्यू बता रहा था। हाँ एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -1 चेक करते हैं, चेक करो भाई एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू -1 5 * 2 = 10 हाँ बिल्कुल सही है 5 * 2 = 10 और 10 * -1 -10 10 - 10 0 एनी अदर डिफरेंट -6 और 3 यस देखो -6 और 3 आता है क्या -6 * 5 -30 और 3 * 10 +30 -30 + 30 0 उसका भी करेक्ट है और कोई डिफरेंट -16 और 8 लेट्स चेक दिस ऑल्सो -16 * 5 करेंगे -80 आएगा 16 * 5 = 80 होता है और 8 * 10 करेंगे तो +80 आएगा तो -80 + 80 = 0 एनी अदर आंसर हाँ आपका नंबर आ गया ना हाँ -10 + 5 आएगा क्या देखो -10 + 5 -10 * 5 -50 और 5 * 10 +50 -50 + 50 0 ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से मैं आपको क्या कह रहा हूं, इससे पहले वाली इक्वेशन याद है क्या 1 वेरिएबल जो मैंने लिखी थी
फाइव एक्स प्लस टेन इक्वल टू, वहां से आपने एक्स की क्या वैल्यू निकाली, तो आपने इस इक्वेशन में तो एक्स की एक ही वैल्यू निकाली जिसमें एक्स और वाई की कितनी निकली अभी तक, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस को निकल चुकी है, ऐसी दस हजार और निकल चुके हो, दस करोड़ भी निकाल आपसे मैंने जानबूझ के अलग अलग निकल भाई, आपने खुद ने वेरीफाई की सबकी वैल्यू अलग अलग है, सबकी सही है ना, तो इसकी तरह एक यूनिक वैल्यू मिले इसीलिए ये लिखा हुआ है पेयर ऑफ, क्योंकि इक्वेशन का रूल होता है जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, बोलो साथ में इक्वेशन कितनी है वहां पे कितने वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन कितनी है वेरिएबल दो इक्वेशन एक, इसीलिए तो किसी एक जगह टिक नहीं पा रहे, घूमते ही जा रहे हैं, कोई यूनिक वैल्यू एक्स और वाई की। अब इसके साथ जैसी इक्वेशन है ना, एक ऐसी की ऐसी इक्वेशन और मिल जाए सेम टू सेम इसकी तरह एक्स और वाई में, उन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे ना तो एक्स और वाई की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, दैट मींस अगर वेरिएबल दो होंगे इक्वेशन भी दो ही होंगी, इसीलिए चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप यहाँ पे टू वेरिएबल्स की जगह वन वेरिएबल कर दो, पेयर ऑफ लगाने की जरूरत क्योंकि वन वेरिएबल के एक इक्वेशन बाकी अपने आप को सॉल्व कर, समझ गए क्या? इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल की थी तो इक्वेशन की एक ही थी, क्योंकि जितने वेरिएबल उतनी, अभी वेरिएबल बढ़ गए तो इक्वेशन की संख्या भी बढ़ गई, केवल और केवल चैप्टर के नाम पर किया है, ये छोटी मोटी बातें हैं चैप्टर में इंटरेस्ट लेके आती है, अब आपको समझ में आ गया क्या दो इक्वेशन सर्वाइव भी हुए और उधर एक इक्वेशन है, समझे क्या? ठीक है, तो थोड़ा सा नोट करेंगे फिर बाकी कल करेंगे, ये तो सब एग्जाम्पल्स था आपके समझने के लिए। हेडिंग डाल रखी है आपने वैसे भी, तो आप ये नोट करो। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट चैप्टर के नाम से ही तो होगा, चैप्टर का नाम क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो स्टार्ट नोट से ही करेंगे हम कि देयर शुड बी एज मेनी नंबर ऑफ इक्वेशन, क्योंकि सबसे पहले आपके खुद के बच्चे के माइंड में ये सवाल आना चाहिए कि पेयर क्यों दे रहा है आपकी बारी, उसका आंसर हम स्टार्टिंग में ही देंगे, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, कि देयर शुड बी एज मेनी नंबर ऑफ इक्वेशन, देयर शुड बी एज मेनी नंबर ऑफ इक्वेशन एज देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड इन द इक्वेशन, इन शॉर्ट छोटे शब्दों में बात करें जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, जितने वेरिएबल उतनी, समझे? लिखो यहां तक लिखो, ये नोटबुक किसकी है? जीविका जी को ट्रेंड लिखे ना, आज पड़ोस में देती हूँ, नहीं तो ले जाना है, दे देना उसे। देखिए यहाँ तक कहाँ तक लिखा, यहाँ तक, इन शॉर्ट जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, अरे बात तो जिंदगी में याद रखने की है, नॉट फॉर ओनली दिस चैप्टर, क्योंकि अगले साल तीन वेरिएबल भी मिलेंगे एक्स वाई जेड, तो इक्वेशन भी तीन चाहिए होंगी, तभी वो एक्स वाई जेड की वैल्यू यूनिक वैल्यू निकलेगी, नहीं तो फिर अभी जैसे निकलती जा रही थी ना, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू निकलती जाएगी। ठीक है, डन, यहाँ तक हो गया। अब जब अपन यहाँ तक हो गया ना, अब जब अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी थी तो द वेरी नेक्स्ट स्टेप हमने क्या सीखा था, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी, तो अब अपन लीनियर इक्वेशन सीख रहे हैं तो अगले ही स्टेप में क्या सीखेंगे, उसकी स्टैंडर्ड। और देखो बेटा, किसी भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना बहुत ही आसान सा खेल होता है, एक दो इक्वेशन खुद ही बना के देख लो और देख लो उसका फॉर्म कैसा बनता है। जैसे अभी मैंने एक इक्वेशन बनाई थी, क्या बनाई थी, 5x + ny = 0, ये बनाई थी। अब इसमें तो क्या है, अगर हमने कांस्टेंट टर्म रखा नहीं, बट कांस्टेंट टर्म तो हर इक्वेशन में रहता है, तो एक दूसरे ही बनाते चलो, तो मैं बताता हूं, जैसे 5x
5x plus 10y and let us have an integral now हमें minus 7 is equal to 3. तो ये एक linear equation in two variables है ना? Yes. है. तो degree जी माने इसमें दो variables नहीं हैं, इसमें constant कम ही थी, constant हमको समझ चाहिए थी. देखो किस टाइप का ये structure बन रहा है. एक तो x वाली term, एक तो y वाली term, एक constant term. बस इससे अलावा क्या कर रहे हैं? इसकी क्या जरूरत नहीं है. तो आप तो standard form बना सकते हो. बोलो kx कोई बड़ी बात नहीं है. बच्चे रखते हैं इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या इसकी स्टैंडर्ड. आप दो तीन एग्जांपल खुद ही तो खुद ही समझ आ जाएगा. और सबसे अच्छी बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सी का मतलब कांस्टेंट टर्म होता था, लीनियर इक्वेशन में भी सी का मतलब कांस्टेंट टर्म है. तो अभी तक तो कंफ्यूजन है ही, बस वहां पे ax स्क्वायर प्लस bx होता था क्योंकि x ही x चलता था. यहाँ पे ax है और by, यहाँ पे ax है और अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड है. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये पर हमारे सेंटर का नाम क्या है? क्या रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? मतलब दो इक्वेशन दिखाई देती है, मैं कितनी इक्वेशन दिखाई देगी? दो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है a1x b1y c1 और दूसरी a2 है अच्छा किसी किसी बुक में या कहीं आपके हो सकता है स्कूल में कहीं पर हो सकता है ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो उसमें घबराने की बात नहीं. कई बार कई टीचर्स कैपिटल लेटर से डिनोट कराते हैं, कई स्मॉल लेटर. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने कंपोनेंट्स होते थे? ए बी सी. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ये मतलब छह कंपोनेंट्स होंगे. कौन से कौन से? ठीक है, बाकी कल करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. I am already having a nice day. Keep learning and bye-bye. Methods kal dekhenge, right?